दोस्तों, कोटा राजस्थान में एक नया रेलवे स्टेशन बनाया गया है सोगड़िया, जो कि कोटा रेलवे स्टेशन के पास में ही बनाया गया है। आइए जानते हैं आज की वीडियो में क्या है खास इस रेलवे स्टेशन में, क्या आपको सुविधाएं देखने को मिलेंगी और कैसा ये रेलवे स्टेशन पूरा दिखता है। तो दोस्तों, सबसे पहले ये सोगड़िया स्टेशन कहाँ पड़ता है, मैं आपको जो है कोटा डिवीज़न का जो मैप है, इंडियन रेलवेज़ का जो मैप है, उसके थ्रू जो है समझाने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले तो आप थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं, सबसे पहले आपको सीधा कोटा ही दिखा देता हूँ। देखिए, ये जो आप देख रहे हैं जगह, यहाँ पर ये रहा आपका कोटा जंक्शन, ठीक है। उस कोटा जंक्शन से, मतलब कोटा जंक्शन आने से जस्ट पहले एक बाईपास लाइन कटती है, ठीक है, चंबल रिवर क्रॉस करते ही। और बाईपास लाइन क्रॉस करते ही देखिए यहाँ पे दोस्तों सोगड़िया लिखा हुआ है। एक्चुअली दोस्तों, कोटा बीना मेन लाइन है जहाँ पर ये पूरा रेलवे स्टेशन जो है स्थित है। स्टेशन के बाहर का जो मतलब डिज़ाइन है वो आपको एकदम राजस्थानी का फीलिंग देगा, ठीक है। पूरा मतलब जो नक्काशी वगैरह हुई हुई है, अगर आप यहाँ पे रात के टाइम पे आएंगे ना, तो स्टेशन आपको और ज़्यादा सुंदर देखने को मिलेगा, क्योंकि लाइटें वगैरह का यहाँ पे जो है बहुत अच्छा इंतजाम कर रखा है। खैर, उसके अलावा यहाँ पे एक रिजर्वेशन काउंटर बना रखा है नीचे की ओर, जहाँ पे आपका अगर आपकी टिकट्स वगैरह रिजर्व करानी है तो आपको करवा सकते हैं। और भी क्या क्या सुविधाएँ स्टेशन के अंदर है वो बताता हूँ आपको। दोस्तों, इस रेलवे स्टेशन के ऊपर आपको जो एस्केलेटर्स वगैरह होते हैं या जो फुट ओवर ब्रिजेज होते हैं, वो बहुत मतलब दो प्लेटफॉर्म के स्टेशन में बहुत अच्छी तादाद में मिल जाएंगे, ठीक है, जिसमें प्रॉपर रैंप वगैरह बनी हुई है। मतलब दिव्यांग लोगों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखा गया है इस रेलवे स्टेशन पे कि उनको किसी तरीके से कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब दोस्तों, इसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो होती है किसी रेलवे स्टेशन पे, वो है वॉशरूम और पानी वगैरह की सुविधाएँ, जो कि अगेन बहुत कुछ अच्छे से दे रखी हैं, आप देख सकते हैं। और मतलब दिव्यांग के लिए अलग दे रखा है, स्पेशल टॉयलेट्स वगैरह बना रखे हैं। और उसके बाद जो और इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है मेरे हिसाब से, वो है कि वेटिंग रूम वगैरह किस टाइप के बनाए हुए हैं। तो वेटिंग रूम भी दोस्तों बहुत नीट एंड क्लीन बना रखा है। मैंने अंदर से वेटिंग रूम का वॉशरूम आपको नहीं दिखाया, बट जैसे मैं आपको बताना चाहूँगा कि वहाँ पे आप मतलब फ्रेश वगैरह हो सकते हैं, नहाने धोने की सुविधा वहाँ अच्छे से जो है दे रखी है। इसके बाद एक वीआईपी वेटिंग रूम भी है, हालांकि वो बंद था, मतलब ऑन चालू नहीं था, क्योंकि अभी रेलवे स्टेशन पर इतना फुटफॉल नहीं है। अभी सिर्फ यहाँ पे एक ही ट्रेन जो है ओरिजिनेट और मतलब बन करके चलती है यहाँ से और आती है, और एक चलती है सिर्फ कोटा बीना मेमू, दैट्स इट। बट अब आप सोच रहे होंगे कि इस रेलवे स्टेशन को बनाया क्यों गया अगर सिर्फ दो ही ट्रेन यहाँ पर चलती है। एक्चुअली जो रेलवेज़ का पीछे लॉजिक था इसको बनाने का, या है, कोटा रेलवे स्टेशन जिस पर अब थोड़ा सा ट्रैफिक जो है बढ़ता जा रहा है, तो स्टेशन पर आने वाली वीकली ट्रेन्स या कुछ ट्रेनों को जो है इस सोगड़िया नाम के स्टेशन पर शिफ्ट कर दिया जाएगा, ताकि कोटा के ऊपर थोड़ा सा लोड भी कम हो सके और थोड़ा सा पैसेंजर शिफ्ट भी जो है कराया जा सके। बट दोस्तों, चांद में भी दाग होते हैं, तो इस रेलवे स्टेशन पे भी आपको कुछ प्रॉब्लम फेस करने को मिल सकती है, वो मैं आपको जो है ज़रूर से बताता हूँ। देखिए, अगर आप कोटा में रहते हैं तो भी, और अगर आप कोटा जा रहे हैं तो भी, सबसे पहले ये रेलवे स्टेशन कोटा से मात्र 1.5 से 2 किलोमीटर या 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। आपको ऑटो वाले बाहर जो है थोड़ा सा लूट सकते हैं, बिकॉज़ वो आपसे काफ़ी हाई चार्ज कर सकते हैं, तो वो आपको जो है नहीं करना है। दूसरी चीज़, रेलवे स्टेशन पर आपको कोई भी पानी मतलब कि कैंटीन वगैरह की सुविधा जो है नहीं मिलेगी। तो अगर आप रेल लीर या बिस्लरी वगैरह पीना, पानी वानी रखना चाहते हैं, जो भी साथ में स्नैक्स कैरी करना चाहते हैं, वो अगर आप कहीं बाहर से लेते हुए आएंगे तो ही अच्छा है, या फिर आपको यहाँ से चलने के बाद सवाई माधोपुर वगैरह जो स्टेशन पड़ेंगे आगे जा करके, वहाँ पे मिलेगा, उससे पहले आपको नहीं कुछ मिलने वाला। दोस्तों, पानी वगैरह तो छोड़िए, रेलवे स्टेशन के बाहर आपको कोई खाने पीने की दुकान भी जो है नहीं मिलेगी। तो यहाँ अगर आप उतरते हैं और आपको लंच वगैरह भी करना है, तो आपको यहाँ से कोटा रेलवे स्टेशन की तरफ जो है जाना पड़ेगा। खैर, ये सब कोई बुराई नहीं है, बट एक जनरल सी बात है, क्योंकि अभी रेलवे स्टेशन नया बना है, यहाँ पर ज़्यादा लोग नहीं है, क्योंकि ज़्यादा ट्रेन नहीं है, इसलिए बाहर जो है भीड़ कम है। बट इन सब चीज़ों का इंतज़ाम जो है स्टेशन पे किया गया है। स्टेशन के बाहर अच्छी खासी पार्किंग दी गई है कि कल को जब यहाँ पे लोग आएंगे, यहाँ पे भीड़ बढ़ेगी, तो स्टेशन जो है आराम से हैंडल कर पाएगा। दो प्लेटफॉर्म का स्टेशन है, कोटा बीना मेन लाइन के ऊपर आता है। बाकी बातें होती रहेंगी फिर कभी। आज के इस व्लॉग में इतना रखते हैं, मैं मिलता हूँ आपसे बहुत जल्द एक और वीडियो में। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी जरूर से इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर करना दोस्तों के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मैं शुभम कुमार साइनिंग ऑफ टुडे, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।